ये भाई ये सब जर्मनी जा रहे हैं। अभी हम बेड़ा आ गए हैं, अभी लाहौर से निकले थे, अभी बेड़ा पहुंच गए हैं। अब बेड़ा में हम कुछ स्टे करेंगे खाने पीने का, और स्टे करने के बाद कोई हमें आधा घंटा लगेगा यहाँ पे, और सब खा पी के फिर हम अपने अगले सफर की तरफ रवाना होंगे। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा सुबह 7-8 बजे। अब नाश्ते देंगे सिंपली सूफी से, और हमारे अली भाई ज़रा पैसे कटाए। यार इजार आपको तमीज़ ही नहीं है यार, किस तरह आप रिस्की बे वो आसन अली भाई ये हो गया मेरा, ये छाना जी आपका, आप अपना अपने भी ले लो, वीडियो बाद में बना लेंगे। हाँ जी मेहरबानी, बहुत अच्छी असन बता दो आपको दिखाते और अपना अपना भाई पीस चुकी जो तो खाई जो। सुबह का टाइम हो गया और दिन चढ़ गया, और जिसमें एहसन भाई अभी इस टाइम हमारे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और ये पीछे पूरी जनता ये देखिए, ये नशाई, वो देखिए डबल नशाई और ये देखिए मम्मी डैडी बॉय, और ये हम इस्लामाबाद की जाने। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, और ये नाश्ते के भैया अभी होगी लैंडस्लाइडिंग, जिसकी वजह से हो गया ट्रैफिक, ठीक है ना। तो अभी तकरीबन 40-45 मिनट तक ये हमारी रोड ब्लॉक रहेगी, हमारे मुजाहिद आगे खड़े हैं, और आपको जूम करके दिखा सकते हैं किधर लैंडस्लाइडिंग हुई है, और वहाँ पे अभी काम चल रहा है। तकरीबन 40-45 मिनट के अंदर ये खुल जाएगी, फिर इंशाल्लाह हम अपने सफ़र को दोबारा शुरू करेंगे, और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करेंगे अपनी मंजिल तक। और बताया आप ट्रैफिक भी दिखा सकते, आपकी मंजिल कहाँ पे है? माड़ी मंजिल चलास है, और आपकी मंजिल? मेरी वाशा डैम। हाँ वाशा डैम, उधर क्या लेने जा रहे हैं? ये भी एक मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, मजदूरी करते हैं उधर। अच्छा अच्छा, तो उधर ही रोज़ इधर आना जाना? नहीं रोज़ तो नहीं, महीने में एक दफ़ा आना जाना, महीने में एक दफ़ा। ये इधर क्या लैंड स्लाइडिंग कटी रहती है? नहीं ये लैंड स्लाइडिंग नहीं, ये रोड है और ऊपर रोड बन रहा है। अच्छा अच्छा, एक मुझे बताओ, एक ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग से नीचे एक मेटल, हम लास्ट टाइम जब यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से वापस गए थे, तो एक मेटल रोड हमें वहाँ पे लेके गई थी, हम ये डैम वाली साइड से नहीं आए थे जो सी पैक डैम। आप वो नारायणगढ़ खान बाबूसर से आए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी बंद है ना, वो जून में खुलेगी। अच्छा वो वैसे वो तैयार था, अभी यहाँ से आए हैं तो यहाँ पे सड़क नहीं बना रहे हैं कि ये यही सड़क चलती है इसके लिए? ये इधर ये पीछे कासूर है मैंने, ये इधर पानी आना है, ये सारा बंद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी ये जगह। अच्छा ऊपर से सारे सब ने ऊपर से, अब यानी कि ये ऊपर रोड बना रहे हैं? हाँ ये केकेच ऊपर चली जाएगी। अच्छा यानी कि वो फिर ये नीचे वाला सी पैक वाला सिस्टम खत्म ही होगा, मतलब जो डैम के पास हम जाते हैं वो खत्म ही हो जाएगा, वो ऊपर ऊपर से हम सीधा के क्या, जब तक डैम बनेगा तो ये पानी इधर आहिस्ता आहिस्ता ये डम होता जाएगा ना। आपका नाम क्या लला? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान भाई अच्छी आपसे गाइडेंस मिली, आप इधर के रहिशी के ख्वाब बड़े हैं, सो रहा है अभी पानी ठंडा, दरअसल जो पानी कूलर भरते हैं ना ये, वो ठंडे नलके देख लेंगे।
खजूरे भी भाई पकड़ ली, थोड़ी सी निकाल के रख और बगैर खर्चे को दे देंगे। अब जैसे कि हम अपने होटल से चेकआउट कर दिया और अब हम निकल रहे हैं अपने अगले मंजिल की तरफ, फेरी मेडोज की तरफ, जो कि हमें जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो चिलास हमारा स्टे था और हमारे साथ ये छाना जी हैं और अली भाई, और यहाँ पे हमारे दोनों मुजाहिद एहसन भाई, जो कि इंशाल्लाह हम अगले 2 घंटों तक अपनी जो मेन मंजिल है उस तक चले जाएंगे और फिर आगे हम अपना टूर को कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय। अच्छा, यहाँ पे जीप का होता है फिक्स रेट, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कमी पेशी, यहाँ पे इन्होंने फिक्स रेट रखा हुआ है और नंबर वाइज जीपें जाती हैं। बस आप यहाँ से जीप कराते हो और अपना सामान वगैरह करवाते, गाड़ी आपकी पार्किंग में लग जाती है, जो कि यहाँ पे पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ना गाड़ी पार्किंग में लग जाती है और ये भी जीप्स वगैरह हैं और ये हमारी गाड़ी है। अब हम अपना गाड़ी से सामान, अपना ज़रूरी जो भी सामान है वो निकालेंगे, क्योंकि जो जीप है वो आगे जा के फिर ऊपर हमें खच्चर हमारा सामान लेके जाएगा, ठीक है ना। ये सारा यहाँ पे जो डील करते हैं।